स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम क्या देखेंगे, द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल करना देखेंगे, कैसे हल किया जाता है इनको। ठीक, आपने देखा होगा कैसे प्रश्न आपको थंबनेल में कि कैसे आज प्रश्न आज आपको कराए जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आपको मात्र 10 से 20 सेकेंड में किया जाता है, ठीक ना। ऐसी ट्रिक आपको बताया जाएगा कि आप मात्र 10 से 20 सेकेंड में कर लेंगे हल, जिससे आप कभी भी एग्जाम में परीक्षा में दे ऐसे प्रश्न आपके आते हैं तो टाइम ज्यादा खाते हैं, ठीक। और आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, तो आपको हल करने का तरीका बताया जाएगा, बिल्कुल जीरो से बताया जाएगा, आपका बेसिक से बताया जाएगा कैसे हल किया जाता है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा आराम से। वीडियो यदि आपको पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, और यदि लास्ट में देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिएगा, ताकि पता चले मुझे कि मैं और भी अच्छे से ताकि पढ़ाने की कोशिश कर सकूं। और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगे तो। तो चलिए हम यहीं से वीडियो शुरू करते हैं, ठीक। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक ना, मतलब दो घात, ऐसे आपने पढ़ा होगा कभी, ठीक ना। तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है कोई समीकरण एक्स, हाँ, तो देखिए हमारा प्रश्न है x²-7x+10। तो हम इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको आपने पहले कभी हल किया होगा। हम कैसे इसको हल करते हैं, तो आपका जो बीच का पद होता है, ठीक ना, बीच का जो पद होता है उसको ऐसे दो भागों में हम विभाजित करते हैं कि गुणा करने पर लास्ट पद और प्रथम पद के गुणनफल के बराबर आए। जैसे हम मान लेते हैं ये आपका है ax²+bx+c, ठीक। आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं, तरीका लास्ट में ऐसा बताऊंगा, आप 10 सेकंड में हल कर लेंगे प्रश्न को, ठीक। तो इसको हम कैसे इसको दो भागों में विभक्त करते हैं कि a·c गुणा करने पर आए, a·c बराबर क्या है आपका b आए, ऐसे हम विभाजित करते हैं, ठीक। तो कैसे हल करते हैं इसको देखिए, एक बार मैं आपको इसको करके बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आपको किया जाता है कि 7 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि 10 आ जाए गुणा करने पर, और आपको अब जोड़ना है कि घटाना है। कैसे पता चलेगा आपको, तो इस चिन्ह से आपको पता चलता है कि जोड़ना है कि घटाना है, मतलब लास्ट अंक के पहले जो चिन्ह होता है। यहाँ कौन सा चिन्ह है आपका, प्लस चिन्ह है, प्लस है मतलब धन है, धन है मतलब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, ठीक। तो मान लीजिए इससे एक कम ले लेते हैं हम, 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, लेकिन 6 × 1 कितना होगा आपका 6 होगा, तो 10 आएगा नहीं। उसके बाद मान लीजिए आप 5 × 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 5 × 2 = 10 आएगा 5 × 2 में, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। मतलब यदि हम इसको 5 और 2 में विभाजित कर दे दो भागों में, तो आपका जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, और गुणा करने पर 10 आ जाएगा, आएगा, ठीक। यहाँ क्या है आपका माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह है मतलब क्या करना है अपने को, बड़े संख्या के साथ माइनस करेंगे, ठीक। मतलब -5x क्या लाना है हमारा, हमको यहाँ 7x, तो -5x - 2x ऐसे कर देंगे आपका, तो -7x आ जाएगा जोड़ेंगे तो, और यदि गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ आपका 5 × 2 = 10 आएगा, ऐसे करने पर गुणा में आपका 10, ठीक ना। तो ऐसे दो भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। नॉर्मल इसको हल कैसे करते हैं, तो इसको दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं, ठीक। फिर x² यहाँ आपका, ठीक। फिर हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो x यहाँ हमारा कॉमन आ जाएगा, x - 5, माइनस में 2 आपका हो जाएगा, ठीक। फिर x - 5 यहाँ 0, दोनों आपके बराबर हो गए, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, और फिर आपका x - 2 लिख देते हैं, यहाँ 0 आ जाता है, x का मान यहाँ से आ जाता है आपका 5 और 2, ये आ जाते हैं आपके x के मान। इसको ऐसे हल किया जाता है, ठीक ना, ऐसे में आपके टाइम लगते हैं, तो ऐसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हल करेंगे बिना टाइम लगाए, ठीक। मतलब बिल्कुल इजी तरीके से आपका ये हल हो सकता है। तो देखिए बस आपको यहाँ ये देखना है कि इसको दो भागों में हम इसको बीच वाले को कैसे बांटे, तो कैसे बांटना है, यहाँ प्लस है आपका तो इसको जोड़ के बांटना है। अब जोड़ के बांटना है तो हम क्या करेंगे, 7 से 1 कम ले लो, 6 और 1 = 7, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 5 और 2 करोगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, मतलब 5 और 2 दो भागों में बांट सकते हैं, क्या हो जाएगा -5 और -2, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तब 10 आ जाएगा आपका, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जोड़ने पर -7 हो जाएगा, तो ये दो भागों में बट गए आपके। अब क्या करना है आपको, यहाँ जो चिन्ह है आपका इन दोनों संख्याओं से पहले उसको जस्ट उल्टा कर देना है, यहाँ माइनस है क्या करना है प्लस कर देना है, बस यही होगी आपका आंसर। इस समीकरण को आप हल करेंगे तो यही आएगा आपका आंसर, ठीक। अभी मैं आंसर भी लाया था, आपने देखा होगा यही आंसर आया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। नहीं समझ आया होगा कोई बात नहीं,
देखिए आपको कैसे हल करना है प्रश्न को। मान लीजिए हमारे पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस हमारा 9x प्लस 20 बराबर में आपका 0, ये हो जाए। अब इसको हमको कैसे करना है, देखिए यहाँ आपका प्लस आ गया, प्लस आ गया मतलब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे दो भागों में, मतलब दो पदों में बांटेंगे। तो ऐसे बांटेंगे कि इनको जोड़ने पर 20 जोड़ने पर 9 आए, गुणा करने पर 20 आए, ठीक। तो कैसे बांट सकते हैं हम, देखिए इसको यदि हम 4 × 5 कर दें, मतलब 4 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 और 5 9 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 में 5 जोड़ देंगे आपका 9 आ जाएगा, 4 × 5 कर देंगे 20 आ जाएगा, मतलब 4 और 5 दो भागों में इसको बांट देंगे तो गुणा करने पर 20 आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर 9 आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम बांट दिए, अब क्या करेंगे, इसको प्लस 4 और प्लस 5 करेंगे तभी तो जोड़ने पर 9 आएगा ना, ठीक, क्योंकि 9 के सामने धन का चिन्ह है, ठीक। ए कर दिए, अब इसका आंसर कैसे आएगा, तो ए वाला जो चिन्ह है इसको हमको बदल देना है, अभी क्या आप चिन्ह है आपका प्लस चिन्ह है, इसको बदल देना है माइनस में, मतलब -4 और -5, ये आपके एक्स के दो मान हो गए, इसका आंसर आपका आएगा -4 -5। इसको आप हल करके देख सकते हैं, आपका आंसर आएगा -4 और -5, तो आ गए आपके तुरंत आंसर। टाइम लगा क्या, ये तो आप 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं इसको, बस आपको दो पदों में बांटने आने चाहिए, जितनी जल्दी आप दो पदों में बांट लेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ यही मान लीजिए आपका देख लेते हैं, यहाँ आपका 2x² ठीक माइनस, चलिए यहाँ प्लस ले देते हैं, प्लस यहाँ 9x + 10 बराबर 0, ठीक। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए एक तो इसको बताता हूँ, फिर आपको जैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं इंटरेस्ट एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे SBI हो गए, NTPC हो गए, रेलवे हो गए, इसमें जैसे पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न भी आपको कराएंगे, ठीक। ये नॉर्मल आपको बेसिक बताया जा रहा है। अब देखिए इसको आपको तोड़ना है, तो कैसे करते हैं, देखिए इसको दो भागों में ऐसे बांटते हैं कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए, जो पहला और तीसरा होता है इनके गुणनफल के बराबर, इनका गुणनफल हमने पहले क्वेश्चनों में क्या देखा था, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं था, मतलब एक था तो इसका हम गुणा करते थे तो वही आता था, इसलिए गुणा नहीं करता था मैं, ठीक। तो यहाँ कैसे हमको 9 को दो भागों में ऐसे बांटना है कि उन संख्याओं का गुणा करने पर कितना आए, 10 × 2 मतलब कितना आए, 20 आए, अभी जैसे हमने बांटा था 20 आए। तो इसको कैसे भागों में बांट सकते हैं, 4 और 5 में जो आपको बताया था बांट सकते हैं, ठीक, 4 और 5 दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस प्लस 4 और 5 जोड़ेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, 4 और 5 गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, ऐसे दो भागों में हमने बांट लिया। अब क्या करेंगे, मैं बताया था यहाँ का चिन्ह आपको उल्टा कर देना है, क्या करना है, यहाँ का चिन्ह उल्टा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, -4 - 5 हो गया। अब आप कैसे करेंगे, इसके बाद जो यहाँ रहता है जो आपका एक्स स्क्वायर के जगह पे, उसको यहाँ बट्टा में लिखा जाता है, पहले जो आपको क्वेश्चन कराया था उसमें एक्स स्क्वायर के सामने एक था, कुछ नहीं था, मतलब 1 था, जब एक को बट्टा में करेंगे तो वही आएगा, इसलिए मैं वहां बट्टा आपको नहीं करा रहा था, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, आपको बट्टे में करना है, तो एक कितना है यहाँ आपका सामने में 2, तो यहाँ आपको बट्टे में 2 दोनों के कर देना है। अब इसको काट लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इसका आंसर कितना आया, -2, इसमें कितना आएगा, -5/2 नहीं कटेगा, तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे इस वर्ग समीकरण के या द्विघात समीकरण के, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है और समझना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं जैसे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक, उस टाइप के प्रश्न अब हम यहाँ से करना चालू करते हैं। इसमें भी आपको अच्छे से नहीं समझ आया होगा तो उस प्रश्नों के माध्यम से भी आपको यही समझाया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, बस ध्यान से देखते रहिए, आपको इजी समझ में आ जाएगा। क्या है हमारा प्रश्न, यहाँ मान लीजिए आपका है 3x² माइनस 10x माइनस 8 बराबर आपका 0, उसके बाद है 2x² माइनस में 23x प्लस 60 बराबर 0, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। अब आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है आंसर में, x > y, x < y, x > = y, डी में है x < y, पांचवा ऑप्शन भी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना।
देखिए बस आपको इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता है प्रश्नों को हल करने के लिए, तो आप इसको कैसे हल करेंगे देखिए। सिंपल सी आप पहले का देख लीजिए इसका, ठीक। इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है आपका बीच में 10 है, ठीक। 10 है मतलब 10 को अपने को दो भागों में बांटना है, ठीक। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 इन दोनों का गुणा कर देंगे वही आना चाहिए, मतलब 8 या 24 आना चाहिए। गुणा करने पर 10 को दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 24 आना चाहिए। यहाँ कौन सा चिन्ह है आपका, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है मतलब ऋण का चिन्ह है, मतलब हम क्या करेंगे 10 को घटाएंगे, क्या करेंगे 10 को। यहाँ ध्यान से आप समझिएगा कि यहाँ जब माइनस का चिन्ह रहता है आपका माइनस, तो इसको घटाते हैं मतलब घटाने के बाद 10 लाएंगे, और यहाँ प्लस रहता है तो जोड़ने के बाद 10 लाते हैं, तो यहाँ माइनस है तो घटाने के बाद 10 लाएंगे, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ घट कितना लाएंगे हम, गुणा करने पर आपका 24 आएगा, जोड़ने घटाने पर 10 आएगा, ठीक। दो भागों में ऐसे बांटना है तो क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, तो घटाएंगे तो कितने में आ जाएगा, 12 दूना 24 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 12 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा, 12 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 10 आ जाएगा, और इसी को गुणा कर देंगे तो आपका 24 आ जाएगा, आएगा 12 गुणा 2 करने पर 24 आ गया, 12 और 2 करने पर, 12 और 2 घटाने पर 10 आ गया। अब कौन सा चिन्ह कहाँ आएगा, तो उसको देखिए, यहाँ कौन सा चिन्ह है आपका, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस कब आएगा 10 के सामने घटाएंगे, तो जब बड़े संख्या के साथ माइनस रहेगा, जब बड़े संख्या के साथ माइनस चिन्ह रहेगा तभी तो घटाने पर माइनस आएगा ना। माइनस 12 में 2 घटाओगे तो माइनस 12 प्लस 2 करोगे तो आपका माइनस 10 आएगा, यदि इसी को 12 माइनस 2 करोगे तो केवल 10 आएगा, यहाँ लाना है अपने को माइनस 10, तो माइनस यहाँ आएगा, ठीक। ये आ गया आपको, ठीक। अब इसको तो हम दो पदों में यहाँ बांटे ना, अब इसको दो पदों में बांट लिया, अब इसको कैसे करना है, आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है ना, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, मात्र 10 से 15 सेकंड में हल हो जाएगा, आपको केवल समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक। तो इसको आपको क्या करना है, चिन्ह को उल्टा कर देना है, यहाँ क्या है आपका माइनस है, तो इसको क्या करना है आपको प्लस में चेंज कर देना है, माइनस है तो आपको प्लस में चेंज करना है, ठीक। क्योंकि चिन्ह उल्टा हो जाता है आंसर लाने में, बताया था आपको, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, हो गया। बट्टा में इसको लिख देना है, यहाँ आपका कितना है एक्स के सामने 3, तो बट्टे में 3 दोनों के लिख देना है, ठीक। इसको हल करोगे कितना आएगा, 3 एक 3, 3 6 12, इसका आंसर कितना आएगा आपका 4, और इसका -2/3, ये किसका आंसर आया हमारा, पहले वाले का, पहले इक्वेशन का आंसर है दोनों है। अब दूसरे वाले का आंसर देखिए, मैं आपको इजी तुरंत शॉर्टकट से लाता हूँ कैसे आता है इसका आंसर, ठीक। आपको देखिए कितना आना चाहिए, जोड़े घटाने पर आपका 23 आना चाहिए, गुणा करने पर 60 दूना 120 आना चाहिए, यहाँ क्या है आपका प्लस है, प्लस है मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 अठे 120 हो गया, ठीक। अब यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या के साथ माइनस चिन्ह, छोटे संख्या के साथ प्लस चिन्ह, अब यहाँ बट्टे में यहाँ 2 कर देंगे क्योंकि यहाँ 2 है, ठीक। आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ -15/2, इसको हल करेंगे तो 7.5 आपका कितना आ जाएगा, 5 आएगा समथिंग, ठीक है, 7.5, यहाँ आपका 4 आ जाएगा, हल हो गया। नहीं तुरंत टाइम नहीं लगेगा, आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, इसको आपको समझ में आया होगा, जब आप ये समझ गए होंगे तो ये भी आप समझ गए होंगे कैसे किए। यहाँ आपका प्लस है मतलब इसको दो भागों में ऐसे बांटेंगे कि जोड़ने पर कितना आएगा आपका, इसको इसको गुणा कर दिए, 60 दूना 120, तो 120 आएगा जोड़ने पर, ऐसे दो भागों में बांटेंगे इसको, ठीक। और यहाँ माइनस चिन्ह है तो बड़े संख्या के साथ माइनस चिन्ह रहेगा, तो इसको 15 और 8 दो भागों में बांट दिए, 15 8 जोड़ेंगे तो 23 आएगा आपका, ठीक ना, मतलब -15 -8 करेंगे तो आपका यहाँ 23 आएगा, ठीक ना, तो यहाँ भी आपका माइनस होगा, ठीक ना। तो उसी को मैं यहाँ चेंज नहीं किया था क्या, इस चिन्ह को अपने को क्या करना है, चेंज कर देना है आंसर लाने के लिए, ठीक ना। जोड़ने के लिए -15 -8 किए थे, अब इसको चेंज कर देंगे आंसर लाने के लिए, आंसर लाने के लिए चिन्ह को चेंज कर देते हैं, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, +7.5 और 4 हो जाएगा आपका, होगा ठीक, मतलब इससे भाग दे देंगे जो आएगा ये आ जाएगा आपका। अब इसका आंसर कितना आया दूसरे का, दूसरे में एक्स का मान 7.5 और 4, पहले में कितना आया है 4 और 2/3, अब इसको हम मिटा लेते हैं, देखिए यहाँ समझिएगा, बाकी आंसर आंसर लिख लेते हैं, आप कहीं भी अलग से बढ़िया से लिख सकते हैं। देखिए पहले में आंसर आया 4 और -2/3, दूसरे में आंसर आया 7.5 और 4, अब क्या है इसमें कौन बड़ा है, ये आपका पहले वाले का मान है, यहाँ एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई है, मतलब यहाँ उल्टा लिखा गया है, यहाँ आपका वाई होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक ना, एक्स की जगह आपका वाई होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, ठीक ना, इसको माफ कीजिएगा, ठीक ना, एक्स लिखा गया क्योंकि यहाँ वाई में आंसर दिया है तो आपका वाई होना चाहिए, ठीक। एक्स का माने है आपका वाई का माने है, तो देखिए एक्स का मान बड़ा है कि वाई का, तो यहाँ हमारा वाई का मान बड़ा है, बड़ा है ना, 7.5 एक्स में किसी में नहीं है, लेकिन यहाँ 4 देखे हम,
हाँ तो देखिए क्या है, यहाँ हमारा 7.5 चार है, 7.5 यहाँ बड़ा है तो चिन्ह क्या आ जाएगा, बड़ा का, और इस दोनों के साथ क्या है, बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका x लेस देन y, मतलब y से छोटा है x और एक मान बराबर है, तो यहाँ बराबर, तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, x लेस देन y इज इक्वल टू y, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, x लेस देन इज इक्वल टू y, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको प्रश्न को हल करना है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं आपको, उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये नहीं आया होगा तो, ठीक ना, चलिए उसको भी देख लेते हैं यहाँ। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, माइनस 4x माइनस 21 बराबर में आपका 0 है, वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस में आपका है 63 बराबर 0 है। ठीक, इसको अपने को हल करना है, चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इसको हल करके लाना है, देखिए कैसे आएगा। ठीक, समझते हैं आप, देखिए अब पहला आपका क्या दिया है, x का मान, x का मान अपने को निकालना है, कैसे निकालना है, इसको दो भागों में बांटना है, गुणा करने पर ये आए, यहाँ क्या दिया है आपका 4x माइनस 21 दिया हुआ है, जी हाँ, चलिए ठीक सही है। कैसे करना है हमको, इसको दो भागों में बांटना है, ठीक ना, कि गुणा करने पर 21 है, क्योंकि यहाँ एक है तो 21 से कम 21 होगा, 21 में बांटना है, तो कैसे दो भागों में बांटेंगे चार को, तो आपका यहाँ क्या है, आपका माइनस का चिन्ह है, यहाँ क्या है आपका, पहले में माइनस का चिन्ह, मतलब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक ना, इसको घटाएंगे, तो कितने में घटाएंगे कि 21 आएगा, 7 में 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, और 7 में 3 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ आपका माइनस चिन्ह है, मतलब क्या करेंगे, -7 + 3 ऐसे करेंगे तो आपका -4 आ जाएगा, और -7 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -21 आएगा, -21, तो यहाँ क्या करेंगे, -7 + 3 करेंगे। अब हमरे हमको आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, इस चिन्ह को उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ माइनस वाला प्लस हो गया आपका, प्लस वाला माइनस, इसका आंसर आ गया हमारा, हमारा एक्स का मान आ गया, अब वाई का मान लाना है। ठीक, वाई का मान अब कैसे आएगा, इसको दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर ए आए। ठीक, और यहाँ क्या है आपका, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ प्लस का चिन्ह है, मतलब क्या करेंगे, इसको दो भागों में ऐसे बांटेंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितने में जोड़ेंगे, 9 × 7 = 63, कितने में जोड़ेंगे, 9 × 7 = 63, देखिए 9 और 7 जोड़ देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है मतलब बड़ी संख्या के साथ माइनस चिन्ह होगा, यहाँ माइनस चिन्ह हो गया आपका, उसके बाद 9 + 7 सॉरी दोनों के साथ माइनस चिन्ह होगा तभी तो आपका आएगा ना 16, 9 - 7 -9 - 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका, -16 होगा, और इसी को -9 × -7 कर देंगे तो आपका 63 आ जाएगा। ठीक ना, तो 9 और 7 मतलब -9 - 7 इन दोनों में हम इसको चेंज कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा करना है आंसर लाने के लिए, आंसर लाने के लिए इस चिन्ह को उल्टा देते हैं, माइनस है वहां प्लस, प्लस है वहां माइनस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया। ठीक, तो आपका क्या हो गया, यहाँ आंसर आ गया आपका वाई का मान और एक्स का मान, एक्स वाई का मान आ गया। आप देखिए आपका एक्स का मान, वाई का मान क्या है, 9 है, सबसे बड़ा है ना, वाई का मान सबसे बड़ा है तो ये ग्रेटर देन हो गया, और ये दोनों बराबर हैं तो बराबर हो गए, तो क्या हो गया यहाँ आपका, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स, क्या है, वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स, मतलब वाई का एक मान बड़ा है एक्स से और एक मान बराबर है एक्स से। ठीक, तो आपका इसमें भी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है, इस टाइप के प्रश्नों को, और समझना है, इजी आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको तरीके आने चाहिए इसका, ठीक ना, और आपको कम समय में, बिल्कुल भी कम समय में हल हो जाएगा। ठीक, इसको हल करने में आपका टाइम नहीं लगता है, केवल आपको समझाने में टाइम लगता है, जैसे एक आध क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ आपको, ठीक ना, उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसको आपको करके दिखाता हूँ कितना टाइम लगता है। ठीक, क्वेश्चन लिखने के बाद कितना हो गया आपका हमारा 10x + 10 = 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12 = 0। ठीक, ये आपका प्रश्न है, देखिए इसको हल करने में कितना टाइम लगता है, मैं अभी हल कर रहा हूँ आपको। ठीक, कैसे बांटना है, दो भागों में बांटना है, 5 × 10 हो जाएगा आपका, 5 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ प्लस प्लस चिन्ह आया है तो इसको चेंज कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा आपका, -5 और -2 हो जाएगा, x का मान आ गया हमारा, y का मान कैसे लाएंगे, यहाँ 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 7 आपका, मतलब -4 और -3 आएगा, इस चिन्ह को अपने को चेंज कर देना है तो प्लस प्लस हो जाएगा,
ठीक, मतलब अब कौन बड़ा हो गया आपका, यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है, तो आपका वाई बड़ा है एक्स के दोनों मानों से, क्योंकि माइनस चिन्ह हमेशा छोटा होता है। क्या हो जाएगा, वाई ग्रेटर देन एक्स, या फिर इसी को लिख सकते हो एक्स ग्रेटर देन वाई। कितना टाइम लगा हमको हल करने में, बताइए। आ गया आंसर आपका एक्स ग्रेटर मतलब एक्स लेस देन वाई, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, एक्स लेस देन वाई। ऐसे आप हल कर सकते हैं बिल्कुल ईजी एकदम, कुछ भी टाइम आपको नहीं लगेगा, बस आपको समझने की जरूरत है इसमें, ठीक। तो ऐसे आप प्रश्नों को, द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर सकूँ, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।